नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई। भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली भारत मध्य एशिया बैठक आयोजित की। मध्य एशियाई देशों के साथ संपर्क बढ़ाना भारत की मुख्य प्राथमिकता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, गर्भपात के मामलों में मां का निर्णय ही सर्वोपरि। राष्ट्र आज डॉ भीमराव आम्बेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। विश्व बैंक ने वर्ष 2022-23 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.9% किया। और कतर में फीफा विश्व कप फुटबॉल के अंतिम 16 में मोरक्को का मुकाबला स्पेन से और पुर्तगाल का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने बैठक में भाग लिया। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा और 29 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 23 दिन में 17 बैठकें होंगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। इसे अंग्रेजी में इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट और हिंदी में संसद के समक्ष मुद्दे कार्यक्रम में सुना जा सकता है। संसद सदस्य और मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के प्रवक्ता इसमें भाग लेंगे और सत्र में चर्चा के लिए उठाए जाने वाले मुद्दों के संबंध में जानकारी देंगे। इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट कार्यक्रम एफएम रेनबो चैनल पर और संसद के समक्ष मुद्दे कार्यक्रम एफएम गोल्ड, इंद्रप्रस्थ और एआईआर लाइव न्यूज 24x7 चैनलों पर सुना जा सकेगा। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की अनुमति से सरकार सदन में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार से आग्रह किया कि शीतकालीन सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा कराई जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आज कहा कि मध्य एशियाई देशों के साथ संपर्क बढ़ाना भारत की मुख्य प्राथमिकता है। नई दिल्ली में भारत मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की प्रथम बैठक के अवसर पर श्री डोभाल ने कहा कि शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध मध्य एशिया हमारे साझा हित में है। ए पीसफुल, सिक्योर, प्रॉस्परस सेंट्रल एशिया इज इन आवर कॉमन इंटरेस्ट। Today's meeting therefore assumes importance as it provides us an opportunity to discuss matters which require greater cooperation and coordination amongst the regional countries. श्री डोभाल ने अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ये हम सब के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। Persistence of terrorist networks in the region, including in Afghanistan, is also a matter of deep concern. Financing is a lifeblood of terrorism and terror financing should be an equal priority for all of us. We should also call on all UN members to fulfill obligations enshrined in the relevant counter-terrorism conventions and protocols. भारत पहली बार कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान सहित मध्य एशियाई देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश में श्री डोभाल ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों से अपील करनी चाहिए कि सभी आतंकरोधी संधियों में विद्यमान दायित्वों को पूरा करना होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने कहा है कि आतंकवाद अब भी वैश्विक चुनौती बना हुआ है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को कतई सहन न करने और एकजुट होकर आतंकवाद से निपटने का दृष्टिकोण ही इस बुराई को समाप्त कर सकता है। विश्व बैंक ने आज कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2022-23 में 6.9% रहेगी। विश्व बैंक ने अक्टूबर के 6.5% वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाते हुए ये बात कही।
विश्व बैंक ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर ने श्रीलंका के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा है कि भारत अधिक निवेश जुटाने के लिए श्रीलंका की सहायता करेगा। श्रीलंका आर्थिक शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से श्री अय्यर ने कहा कि भारत श्रीलंका के लिए सबसे बड़े विदेशी प्रत्यक्ष निवेशकों में शामिल है। उन्होंने कहा कि और अधिक एयरलाइनों तथा समुद्री परिवहन सेवाओं के जरिए दोनों देशों के बीच पर्यटन बढ़ाया जाना चाहिए। आई फील दैट श्रीलंका कुड टेक अ फ्रेश लुक एट थ्री मेन डायमेंशंस ऑफ इट्स इकोनॉमिक रिकवरी, नेमली ए रिवाइटलाइजिंग एंड रैशनलाइजिंग द एग्जिस्टिंग वैल्यू चेन्स, बी एंश्योरिंग दैट द सर्विस सेक्टर इज स्ट्रेंथन्ड, एंड सी रिवाइविंग टूरिज्म। इन ऑल ऑफ दीज एम्पल अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट टू लेवरेज द एडवांटेज ऑफ प्रॉक्सिमिटी विद इंडिया, द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन पीपीपी टर्म्स। देश के विभिन्न शहरों में एक वर्ष की अवधि में होने वाली G20 बैठकों से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। उदयपुर में संवाददाता सम्मेलन में G20 गतिविधियों के संचालन के लिए तैनात विशेष अधिकारी मुक्तेश परदेशी ने कहा कि इससे पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी और देश के सांस्कृतिक पहलू को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, इसलिए विद्यार्थियों, कारोबारियों और महिलाओं को G20 के तहत लाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कल हुई सर्वदलीय बैठक में भारत की G20 की अध्यक्षता से संबंधित पहलुओं पर विचार किया गया। बैठक में देशभर के प्रमुख राजनेताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भारत की G20 की अध्यक्षता के संबंध में अपने विचार साझा किए। भारत का कुल कोयला उत्पादन पिछले वर्ष नवंबर के तुलना में इस वर्ष नवंबर में 67.94 मिलियन टन से बढ़कर 75.87 मिलियन टन हो गया है। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान कोयले से बिजली उत्पादन में भी 16.28% की वृद्धि हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर। 8700001-4242। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में रविवार को 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान देश को समर्पित करेंगे। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 3 संस्थानों का उद्घाटन पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में बुनियादी ढांचे के विस्तार और अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने की दिशा में कदम है। आयुष सेक्टर की उत्पादित सामग्री, औषध, अदर फूड सप्लीमेंट का जो क्रेडिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी वर्ल्ड मार्केट में बढ़ रहा है, ये सिर्फ संभव हुआ है पिछले 8 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी ने आयुष को बढ़ावा देने के लिए जो मजबूत कदम उठाए और विभाग से मंत्रालय स्थापना की, बजट की 6 गुना बढ़ाया गया है, जिसके वजह से आज इस चिकित्सा पद्धति पर लोगों का विश्वास 2 गुना बढ़ चुका है। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में कल 64% से अधिक मतदान हुआ। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों में उपचुनाव के लिए मतगणना बृहस्पतिवार को होगी। जनादेश 2022। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम जनादेश 2022 आकाशवाणी के साथ बृहस्पतिवार 8 दिसंबर को। ताजा चुनाव परिणाम जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सुबह 10 बजे से। विशेष कार्यक्रम सुर्खियों में चुनाव परिणामों पर एक नज़र शाम 7:10 से 7:20 तक।
स्पॉटलाइट में राउंड अप ऑफ इलेक्शन रिजल्ट रात 9:15 से 9:30 तक। चुनाव नतीजों पर हिंदी और अंग्रेजी में विशेष चर्चा और विश्लेषण रात 9:30 से 10:00 तक। चुनाव नतीजों की हर खबर के लिए जुड़े रहिए आकाशवाणी के एफएम गोल्ड और राजधानी चैनल तथा राष्ट्रीय नेटवर्क से। चुनाव नतीजे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध रहेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि असामान्य भ्रूण वाले मामलों में गर्भावस्था के बारे में अंतिम फैसला मां पर ही छोड़ना सही विकल्प है। न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि ऐसे मामलों में मेडिकल बोर्ड को गुणवत्तापूर्ण रिपोर्ट देनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने 26 वर्ष की विवाहित महिला की याचिका पर यह व्यवस्था दी। इस महिला ने मस्तिष्क में गड़बड़ से पीड़ित 33 सप्ताह के भ्रूण को समाप्त करने के लिए याचिका दायर की है। बोर्ड की राय में यह संक्षिप्त उल्लेख होना चाहिए कि गर्भावस्था जारी रखने या गर्भपात कराने में महिला को क्या जोखिम है। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉ भीमराव आम्बेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दे रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने भी डॉ आम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। डॉ भीमराव आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर देशभर से अनुयायी मुंबई के दादर में चैत्य भूमि पर श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। और अब फुटबॉल विश्व कप की खबरों के साथ हैं शशांक कुमार। विश्व कप के अंतिम 16 में आज रात 8:30 स्पेन का सामना मोरक्को से और देर रात 12:30 पुर्तगाल का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। मोरक्को ने जहां विश्व की नंबर 2 टीम बेल्जियम को हराकर ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए अंतिम 16 में जगह बनाई थी, वहीं जापान के हाथों चौंकाने वाली हार और जर्मनी के साथ ड्रॉ खेलकर स्पेन ग्रुप में दूसरे नंबर पर थी। उधर देर रात स्विट्जरलैंड के साथ मुकाबले में पुर्तगाल को क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का इंतजार रहेगा। 5 गोल कर गोल्डन बूट की दौड़ में सबसे आगे चल रहे एम्बापे और 3 गोल कर चुके लियोनल मेसी के बाद अब फुटबॉल प्रेमियों की उम्मीदें रोनाल्डो पर हैं। वर्ष 2006 के बाद पहली बार अंतिम 16 में पहुंची पुर्तगाल की टीम को हराने के लिए स्विट्जरलैंड को असाधारण प्रदर्शन करना होगा। बिल और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स फाउंडेशन की सह अध्यक्षा मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस अवसर पर श्री मांडविया ने देश के अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सराहना की। मेलिंडा गेट्स ने भारत के सफल कोविड टीकाकरण अभियान के लिए डॉ मांडविया को बधाई दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 30 दिसंबर तक प्रविष्टियां भेजी जा सकती हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज चेन्नई के निकट चेंगलपेट में अग्नि प्रौद्योगिकी कॉलेज में वर्चुअल ड्रोन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। उन्होंने ड्रोन यात्रा को हरी झंडी भी दिखाई। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की आशंका है। मौसम विभाग ने बताया है कि तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश पर इस तूफान का असर पड़ सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई। भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली भारत मध्य एशिया बैठक आयोजित की। मध्य एशियाई देशों के साथ संपर्क बढ़ाना भारत की मुख्य प्राथमिकता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा गर्भपात के मामलों में मां का निर्णय ही सर्वोपरि। राष्ट्र आज डॉ भीमराव आम्बेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। विश्व बैंक ने वर्ष 2022-23 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.9% किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।